हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग और रिव्यू Xiaomi के Redmi Y1 मोबाइल का, जो आपको 3GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ 9000 रुपये में ऑनलाइन मिल जाता है। जानेंगे इस वीडियो में Redmi Y1 के बारे में पूरी डिटेल से, सो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारे सामने है Xiaomi का Redmi Y1 मोबाइल, जिसमें हमें मिलता है 5.5 इंच की HD डिस्प्ले, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद फ्लैश, स्नैपड्रैगन का 435 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल मेमोरी। तो बिना किसी देरी के करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं हमें क्या मिलता है बॉक्स में। अनबॉक्स करते ही हमें मिलता है एक स्मार्टफोन Xiaomi का Redmi Y1, जो कि गोल्ड वेरियंट में है। आप इसका ग्रे वेरियंट भी मार्केट से ले सकते हैं। चलो इसको रखते हैं साइड, अब देखते हैं और क्या मिलता है। यहाँ हमें मिलते हैं यूजर मैनुअल्स, जो हमने आज तक अभी रीड नहीं करे होते हैं। चलिए इसे भी करते हैं साइड। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ मिलती है हमको एक केबल, जो कि है USB टू माइक्रो USB केबल, जो आपको चार्जिंग के साथ साथ डाटा सिंक के भी काम आएगी। इसके अलावा दोस्तों हमें मिलता है एक सिम इजेक्टेड टूल्स, जो सिम को निकालने या लगाने या मेमोरी कार्ड लगाने निकालने के काम आता है। दोस्तों बात करें अडाप्टर की, तो Xiaomi का ये अडाप्टर है 5V 2A का, जिस पे लिखा है मेड इन चाइना। चलिए अब बात करते हैं फ़ोन की फिजिकल ओवरव्यू की। तो दोस्तों फ़ोन को जब हम हाथ में पकड़ते हैं तो ये काफ़ी स्लिम लगता है। ये प्लास्टिक बॉडी और ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ हमें मेटालिक लुक देता है। फ़ोन के कैमरा की बात की जाए तो बैक साइड में दिया है 13 मेगापिक्सल का कैमरा इंक्लूडेड फ्लैश, और फ्रंट साइड में दिया गया है 16 मेगापिक्सल का कैमरा इंक्लूडेड फ्लैश, साथ में कुछ सेंसर्स भी दिए गए हैं। Xiaomi के आम मोबाइल की तरह फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें बैक साइड में दिया हुआ है। राइट साइड में दिए हुए हैं 2 वॉल्यूम रॉकर के बटन और एक ऑन ऑफ का बटन। और बात करें दूसरी साइड की, तो वहाँ पर दिया गया है सिम स्लॉट और माइक्रो एसडी स्लॉट, जिसमें एक ही स्लॉट में आप 2 सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड को डाल सकते हैं। बात करें ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ दिया गया है 3.5mm का जैक, इसके साथ दिया गया है IR ब्लास्टर, और उसके साथ दिया गया है एक माइक, जो कि कैमरा और लाउड स्पीकर में बात करने के काम आता है। फोन के नीचे दिए हुए हैं रिंगर, माइक और चार्जिंग जैक। फोन के कैपेसिटिव बटन डिस्प्ले से नीचे दिए हैं, बट इनमें बैकलाइट नहीं है। ये तो था फोन का फिजिकल ओवरव्यू। अब जल्दी से फोन को ऑन करके जानते हैं फोन के और फीचर्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने फोन को ऑन कर लिया है। जल्दी से हम जाएंगे सेटिंग में, फिर अबाउट में। हमें यहाँ मिलता है एंड्रॉयड का नोगेट 7.1.2, जिसे हम एंड्रॉयड NB कहते हैं। इसके साथ हमें मिलता है MI का UI 8.5, 1.4 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज, जिसमें से हमें 23.20GB ही यूज के लिए मिलती है। बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जिसके रीज़न से मुझे ये फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी अच्छा लगा। चलिए अब करते हैं इस फ़ोन के कैमरास को टेस्ट। इसके रियर कैमरा और फ्रंट कैमरे की फोटो स्क्रीन पर आपके सामने है। बात करें कैमरा के फीचर्स की, तो यहाँ पर काफी फीचर्स दिए हुए हैं, जो आप फोटो क्लिक करते टाइम उनका यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस फोन की रिंग्स में इसकी वॉइस कैसी आती है। फ़ोन की टच के रिस्पॉन्स को देखा जाए तो वो काफ़ी स्मूथ और फास्ट लगा मुझे। आप देख सकते हो मैं इसको काफ़ी फास्टली रन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल स्मूथ चल रही है। कुल मिलाकर पूरे फ़ोन को देखा जाए तो 9000 की रेंज में 3GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखा जाए, तो ये फ़ोन वैल्यू ऑफ मनी लगा मुझे। आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा। तो ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक करना नहीं भूलेगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।